हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बात करेंगे जो पीजी प्रीवियस ईयर था, जो उसमें जो एडमिशन होने थे सरकारी कॉलेजों में, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन होना था वो डिपार्टमेंट में हो चुका है, लेकिन इसके अंदर और भी जो सब कॉलेज है सरकारी कॉलेज, उनके अंदर भी होने एडमिशन ने बाकी है। और राजस्थान की ऑल यूनिवर्सिटीज, सेकावटी यूनिवर्सिटी मान लो, या फिर अलवर यूनिवर्सिटी, भरतपुर यूनिवर्सिटी, सुगाड़िया यूनिवर्सिटी, बीकानेर के अंदर यूनिवर्सिटी है, उन सभी यूनिवर्सिटीज के जो फॉर्म है वो फिल कर दिया। उसकी लास्ट डेट है 27 अक्टूबर थी, और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो आ जाने वाली थी। मेरिट लिस्ट इसकी क्या रहेगी और इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो कितनी कट ऑफ रहती है, एमडीसी यूनिवर्सिटी है, इन सभी के जो फॉर्म फिल हो चुके थे, और अब इनकी क्या आ रही है, मेरिट लिस्ट आ रही है। इनके डॉक्यूमेंट्स ऊपर इन्होंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। इसके बाद में इसकी कोई सेकंड लिस्ट वो नहीं आएगी, वो सेकंड लिस्ट नहीं आएगी, ओनली इसकी फर्स्ट लिस्ट और मेरिट वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। दो ही लिस्ट निकाली जाएगी, अगर वेटिंग लिस्ट निकाल दी जाएगी और वो लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद में भी अगर कुछ सीटें खाली रहती है, मान लो अगर वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई, आपने एक वेटिंग लिस्ट निकाल दी गई और एक मेरिट लिस्ट निकाल दी गई, दो लिस्ट निकाल दी, इसके बाद में भी एक सीटें खाली रहती है, एमपीटी रहती है, तो उसके फॉर्म कब से चालू हो गए। उसके फॉर्म है वो 14 तारीख से 20 तारीख तक रहेंगे, इस बात का ध्यान रखना। 14 नवंबर फॉर्म है और 14 नवंबर से 20 नवंबर तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो फिर भी अगर एमपीटी सीट रहती है कैटेगरीज वाइज, यानी कि आप किस डिपार्टमेंट में, या तो फिजिक्स करोगे, या मैथ से करोगे, एमएससी करोगे, या एमकॉम करोगे, या आपकी जो कास्ट है वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप फिर फॉर्म फिल करना, जो लिस्ट खाली रह जाती है उसी के अकॉर्डिंग। तो उसकी लिस्ट भी हम आपको इसी टेलीग्राम चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग पे या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दे देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और आज हम बात करेंगे पीडीसी जो सेकावटी यूनिवर्सिटी है उसकी, और जो राजस्थान की ऑल यूनिवर्सिटीज है उनकी जो मेरिट लिस्ट आने वाली थी उसकी सबकी कट ऑफ क्या रहेगी, और इसी की जो कट ऑफ जो डेट है वो कब थी। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकावटी यूनिवर्सिटी सीकर और झुंझुनू। सेकावटी यूनिवर्सिटी की जो सरकारी कॉलेज है वो सीकर के अंदर और झुंझुनू के अंदर है, सीकर के अंदर और झुंझुनू के अंदर है। जो पीजी प्रीवियस ईयर एडमिशन थे, पीजी प्रीवियस यानी कि पीजी के अंदर एमए एमकॉम एमएससी के लिए जो फॉर्म फिल किए जा रहे थे पीजी एडमिशन के लिए सरकारी कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज में आप अभी भी एडमिशन ले सकते हो। सरकारी कॉलेज वरीयता सूची का मतलब है मेरिट लिस्ट, जो मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी, इसकी दिनांक है वो क्या रहेगी। इसकी जो दिनांक रहेगी वो 3/9/11/2022 रहेगी, यानी कि आज इसकी शाम 6 बजे तक, आज इसकी शाम 6 बजे तक क्या आ जाएगी, आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इसकी जो कट ऑफ की बात करेंगे, मेरिट लिस्ट आने के बाद हम कट ऑफ की बात करेंगे, जो कट ऑफ रहेगी वो 2021 के अकॉर्डिंग थोड़ी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ज्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि 50% सिलेबस था गिवन 2 सालों के अंदर, क्या था, 50% सिलेबस था, तो इसके अकॉर्डिंग जो बीएससी की परसेंटेज है वो भी क्या है, लगभग सभी की परसेंट स्टूडेंट्स की क्या है, ज्यादा परसेंटेज बनी है, इसके कारण से इसकी कट ऑफ भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर वीडियो में जो सूचना मिली है वो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरिट लिस्ट आपको इसकी जो कट ऑफ की लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और इसका जो पूरी की पूरी लिस्ट है वो आपको वहां मिल जाएगी, ऑल यूनिवर्सिटी। अदरवाइज इस वीडियो को इतना शेयर कर देना ताकि कोई स्टूडेंट है वो डॉक्यूमेंट जमा कराने से क्या है छूट न पाए, जिसको पता नहीं हो वो अपना एडमिशन ले सके। डॉक्यूमेंट्स की जो डेट रहेगी इसकी लास्ट डेट है इसकी 11 तारीख का, शायद 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 11 नवंबर 2022 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की। ऑल द बेस्ट।